गैला खनन मजदूर उत्थान समिति ने गैला की समस्याओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाते हुए लालकुआ में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला जलाया। गौला की समस्याओं को नज़रअंदाज करने से गौला खनन मजदूर उत्थान समिति उत्तराखंड सरकार से नाराज है। इन लोगों ने लालकुआ में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका। गौला मजदूर खनन उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद जोशी ने बताया कि सभी 11 गेटों पर सरकार की खनन नीति और परिवहन नीति के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन तानाशाह सरकार मजदूरों और वाहन स्वामियों की समस्याओं को सुनने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में अभी क्रमवार तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके परिवहन नीति और खनन नीति के खिलाफ हमारा जो ये आंदोलन जारी है और विगत हम जो है एक महीने से आंदोलन चल रहे हैं। हमारा जो है हमने पहले इससे पहले जो है विशाल रैली भी निकाली थी, लेकिन सरकार के कानून में जूम नहीं रह रहा, इसलिए आज जो है हमारे सभी 11 गेटों में सभी वाहन स्वामी वहाँ के अध्यक्ष वहाँ के पदाधिकारियों ने जो है हर गेटों का आज जो है पुतला राज्य सरकार का पुतला जला रखा है। आगे भी अगर सरकार अगर होश में नहीं आई, माननीय मुख्यमंत्री ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो हम हमारा जो है कल का कार्यक्रम बुद्ध पार्क में हनुमानी जो है शाम को कैंडल लाइट का है और परसों को हमारा जो है आत्मनिर्भर का कार्यक्रम है हनुमान जी, और जब तक अगर सरकार उधर नहीं करेगी तो हम सरकार को ऐसे हिलाते नहीं। अपन है माननीय अजय भट्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनको जो है शहीद स्मारक में उनको ज्ञापन दे रहे हैं। तो अगर तो अपने हमारे कार्यक्रम लगे हैं परसों तक, उसके बाद नहीं मानेंगे तो एक दिन हम लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक संपूर्ण जाम और बंद का ऐलान करेंगे। ठीक सरकार ने अपना रखी है और राज्य सरकार सारे लोगों को बेरोजगार करना चाह रही है। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी भयानक स्थिति पैदा कर रखी है कि जिस गौला से 2 लाख लोगों का परिवार चलता है, 2 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है, उन सब लोगों को बेरोजगार करने के लिए ठेकेदार को लाया जा रहा है और अपनी सेटिंग गेटिंग के आधार पर सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है। अब उसी सेटिंग गेटिंग पर उन्हें जो है हमारी फिटनेस भी प्राइवेट सेक्टर को देगी और उसी सेटिंग गेटिंग के आधार पर उन्हें जो है नदी में जेसीबी के लिए भी हाईकोर्ट से फैसला अपने पक्ष में ले लिया। तो सरकार को ऐसा बनाना चाह रही है कि लोगों को अपंग करना चाह रही है और मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ सरकार को, अगर सरकार ने गौला में निजीकरण व्यवस्था को अगर लागू करने की कोशिश की, सारे वाहन स्वामी सड़कों पर आकर और इन सारे वाहनों को नेशनल हाईवे पे और जो हमारे नदी के गेटों पर सफर खड़ी कर देंगे, हम क्या करेंगे इन नंबरों का? जब हमारी गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, सारी व्यवस्था आप ठेकेदारी में दे दोगे और एक आदमी काम करेगा बाहर से आकर के, और उत्तराखंड के हम लोगों ने इसीलिए बनाया था, उत्तराखंड आंदोलन से लड़ा गया था कि एक बाहर से लोग आकर के यहाँ काम करेंगे और यहाँ के लोग पढ़ाई तराई करेंगे रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाएंगे, भाई हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।